देखिए, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। जैसे हमें एक सर्कल बना लिया, वहां पर एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाना है। ऐसा करके ऐसा कर दिया हमने। अब ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो हम गिवन में क्या ले सकते हैं? गिवन में हम ले सकते हैं ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है, इज ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की मदद से क्या मिलेगा हमें? अपोजिट एंगल इक्वल होता है, एंगल ए इक्वल टू सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। जो प्रूव करना है वो तो आगे मेंशन है कि रेक्टेंगल दिखाना है हमें, प्रूव लिख लेना है। ठीक है, प्रूफ के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रूफ में क्या करेंगे, हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। उसके लिए क्या, हम जानते हैं ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। वी नो ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाता है, ए प्लस सी इक्वल टू 180 होता है, ऐसा ही होता है ना। अब हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि ए प्लस सी इक्वल है। तो ए प्लस सी यानी एंगल ए, या दोनों एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। टू एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैंसिल हो के ये 90 बना, ए इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सारे 90 डिग्री हो गए। हेंस ए बी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज तो रेक्टेंगल में ऑलरेडी पहले से होती ही है, और 90 वाला काम होते ही है ना, एक रेक्टेंगल हो गया। यानी ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल प्रूव्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हो सिंपल सा है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम था तो अपोजिट, चूंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इसके इक्वल हो गए, और साइक्लिक है तो सम 180 होगा। फिर दो ए सी की जगह एंगल ए हम लिख सकते हैं गिवन की मदद से, गिवन है हमारा, तो टू एंगल ए इक्वल टू 180 हो गया, ए 90 हो गया, सिमिलरली सारे 90 हो जाएंगे, और ए बी सी डी क्या हो जाएगा हमारा, रेक्टेंगल हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया, और यही एक्सरसाइज 10.5 और चैप्टर जो सर्कल है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, और 100% ये हमें बहुत अच्छे से किया है। थोड़ा सा मतलब फोकस करके समझना है, फिर आपको कभी भी सर्कल को लेकर के डाउट नहीं हो सकता है।